उम्मीदवार हैं। मैंने आपको कह दिया, वैसे तो मैं भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। निर्णयों का अपने घर के अंदर वो गलत निर्णय लिया जाता है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। पिछड़ गई तो ऐसे ही परिवारों के अंदर की ये चीजें बच के रह जाएंगी। हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार का है, गरीब परिवार का बच्चा कभी आगे आ नहीं पाएगा जी। ये चीजें आज इस कुणमा उचलेगी, आज उस कुणमा में उचलेगी, या कुणमा कुणमा खेले जियो, हम तो केवल दरी छानी जाने ठानी रह जाएंगे। कि हम ये सोच के आए थे कि इस भाजपा में परिवारवाद नहीं है, लेकिन परिवारवाद अब कर दिया। आपको लगता है? बिल्कुल, मैंने पीछे आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि हम जो हैं विधायक जी के साथ में हैं घनश्याम सराफ के, तो यहाँ पे आप बीजेपी के वोट मांगोगे, वहाँ पे अपनी जो है शशि जी के लिए। फिलहाल भाई बात करा भिवाणी मौजूद है, जब तक जो है शशि जी की टिकट कटी है भिवाणी में तो सब मतलब हर जगह जो है यह वीडियो वायरल हो रही है। तो आज यार जो है भाई के कुछ मीटिंग रही है, के फैसला लिया हो, पूरी की पूरी बात कराएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर चैनल पे स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, आपके सभी दर्शकों का, सभी नगरवासियों का जी। तो टिकट कटी है सबसे पहला, तो इसके बारे में क्या कहना? देखिए टिकट को लेकर के जनता के अंदर विशेष रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर ही रोष है। भाजपा के तो शाम विधानसभा जो कार्यकर्ता है आप सबके सामने है कि कार्यकर्ता सुबह 9 बजे से यहाँ कार्यक्रम में मौजूद है। इतनी भारी वर्षा के कारण में जो मन की पीड़ा है सब व्यक्त भी कर रहे हैं। प्रत्येक गांव से कोई सरपंच है, पूर्व सरपंच है, जिला परिषद के सदस्य हैं, पंच हैं और मुख्य मोदी जी और बुद्धि जी यहाँ बैठे हैं। तो जो लोग अपनी पीड़ा यहाँ व्यक्त करके जो निर्णय लेंगे, निश्चित रूप से देखिए जनता निर्णय लेती है तो जनता को मत का अधिकार है, जनता जनार्दन है और वो फैसला सबसे बड़ा होता है। तो क्या ये जो दुख है ये आपको भी है? सबको ये प्रत्येक कार्य देखिए पूरे तो शाम विधानसभा के साथ साथ भिवाणी में भी इस प्रकार की जो है ना, देखो जो मेहनत करता है और जनता जिसको अपने पल को बिठाती है, अपना नेता मानती है और उसको अवसर ना दिया जाए, उसको अवसर ना दिया जाए तो जनता को तकलीफ होती है और सबको तकलीफ होती है। तो इन पीड़ा से तो मैं खुद झेल चुका हूँ तो मैं समझता हूँ कि पीड़ा क्या है। देखिए वैसे ही मैं अगर टिकट की दौड़ में हूँ, मेरे साथ जनता को विशेष प्रेम या आशीर्वाद नहीं है, फिर टिकट कट जाए फिर मैं करूँ तो बात अलग होती है। लेकिन जनता जब आपको अपना नेता मान चुकी है, आप जनता के लिए 24 घंटे सुख दुख में साथ रहते हो, एक एक दिन उन्होंने जनता के बीच मिटाया है, जनता उम्मीद आशा आकांक्षा को साथ चुनाव आएगा तो आज हम हमारे नेता को जिताएंगे या फिर टिकट काट दी जाती है तो पीड़ा होती है और पीड़ा सबके सामने है। तो आज क्या निर्णय लिया गया यहाँ पे? निर्णय अभी रविवार को कैरू के अंदर बड़ी पंचायत का आयोजन किया जाएगा तो शाम की जनता निर्णय लेगी कि क्या करना है अब जी। तो बात करें, काफी कार्यकर्ता ये भी कह रहे थे भवानी जी कि हम ये सोच के आए थे कि इस भाजपा में परिवारवाद नहीं है, लेकिन परिवारवाद अब कर दिया। आपको लगता है? बिल्कुल, देखिए मैं भी 2006 से संगठन का एक कार्यकर्ता हूं और निश्चित रूप से हम यही चीज़ सोच करके पार्टी की विचारधारा तो है ये प्रेरित। हम देखिए संगठन की विचारधारा अलग है, संगठन से तो हम कभी अलग हो नहीं सकते, लेकिन इस प्रकार के कोई निर्णय को व्यक्ति विशेष लेता है, निर्णय का विरोध तो भी घर में भी कर देते हैं। एक बेटा भी अपने पिता का विरोध कर सकता है अगर गलत निर्णय लिया जाता है तो ये चीज़ें हैं। अगर निर्णय को गलत होता है तो पुनर्विचार के अवसर अभी काफ़ी हैं, पुनर्विचार के करके टिकट बदली भी जा सकती है, निर्णय बदली भी जा सकते हैं। तो यह आसार है कि जो टिकट करना चाहिए, देखिए जनता तो चाहती होता है, अगर जनता चाहती है तो जनता ने ही वोट देने, जनता जनार्दन है, जनता का मन तोड़ के ये टिकट दी जानी चाहिए। एक आम घर का, एक आम आदमी भी जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ सके इसलिए संगठनों के अंदर आता है। परिवारवाद रहेगा तो घर की पार्टी है, वही है तो घर की वही काका लिखने वो चीज़ रहेंगी, तो आम आदमी आप जैसा मेरे जैसा कैसे जनता की सेवा के लिए आ गया? फिर तो भवानी कभी जनता की सेवा के लिए आज यहाँ होता ही नहीं। मुझसे बड़े बड़े जब बहुत बड़े बड़े राजनीतिक परिवार बैठे हैं, हम कैसे आते? जनता ने चुना तो हम यहाँ पहुँचे हैं जी। तो क्या भवानी शशि जी के लिए वोट मांगेंगे? बिल्कुल भैया, क्या दिक्कत है? तो शाम भिवाणी अलग नहीं है, तो शाम भिवाणी में मेरे चुनाव के अंदर भी हमारे तो शाम के बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे, साथी थे जिन्होंने भिवाणी में आकर के अपने रिश्तेदारों से वोट मांगे हैं और भिवाणी के लोग भी जाकर तो शाम में वोट मांगते हैं। तो भिवाणी पूरा जिला भिवाणी एक दूसरे जुड़ा हुआ है, पूरा जिला परिवार है, केवल नहीं भिवाणी तो विधानसभा अलग है, तो शाम भिवाणी खड़ा अलग है, सभी हैं हम एक हैं। ये यहाँ पे भिवाणी तो शाम है तो शाम विधानसभा, यहाँ भिवाणी तो विधानसभा होगी, यहाँ भिवाणी खड़ा हो गया, दादरी हो गई, यहाँ महेंद्र, ये चीज़ें सीमाएं नहीं है, सबके लोग तो मिले हुए हैं ना, सारा परिवार है। मैंने पीछे आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि हम जो हैं विधायक जी के साथ में हैं
घनश्याम सराफ के, तो यहाँ पे आप बीजेपी के वोट मांगोगे वहाँ पे अपनी जो है शशि जी के लिए? देखिए विधायक जी योग्य उम्मीदवार हैं, मैंने आपको कह दिया, वैसे तो मैं भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, निर्णयों का अपने घर के अंदर गलत निर्णय लिया जाता है तो उसका विरोध भी करना चाहिए, ताकि ये पार्टी के पक्ष में ही होती है। अगर आप दूसरे आपकी उम्मीदवारी तोड़ करके दूसरे को उम्मीदवारी दी है, वो भी ना जीते दूसरा जीत जाए, कम से कम मजबूती से कहा कि आप आते हो जीत जाते तो पार्टी की झोली में तो टिकट छीट देने का काम करते हो, बात तो वही है ना, तो ये चीज़ें नहीं होती। गलत निर्णय का विरोध भी होता है, निर्णय बदले भी जा सकते हैं, और ये पार्टी असली भाजपा तो यहाँ बैठी है, असली भाजपा तो ये बैठी सारी, भाजपा से अलग कहाँ है, भाजपा ये उम्मीदवार को तय किया लेकिन जनता यहाँ बैठी तय करेगी सारा कुछ। धन्यवाद। जनता किसी को थोपा हुआ पसंद नहीं करती, इतिहास के अंदर बड़े बड़े उदाहरण हैं, लोकसभा से लेकर के पंचायत तक के उदाहरण हैं, और फिर से इस इतिहास को दोहराने का समय है। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि इसलिए भाजपा आप लोग बैठे हो, हमें सरकार से इस बारे में मजबूर भी करना चाहिए भाजपा को कि या तो अपने निर्णय पे पुनः विचार करे, नहीं तो जनता अपना मन जो बनाएगी वो चाहे खिलाफ में बनाए वो आपको इसका प्रत्युत्तर देना लेना पड़ेगा, और आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा, और उसको भाजपा को सहना ही पड़ेगा। अपने नेता को चुनो, शशि परमार जी आपके बीच में रहे, ऐसे नेता को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं इसी के साथ आप सबसे पुनः जो निर्णय जो पंचायत के अंदर होगा तो शाम नहीं जी, आस पास के सब आपके साथ रहेंगे। भिवानी भी है, भिवानी भी है, भिवानी है जिला, पूरा भिवानी जिला नहीं जी, महेंद्रगढ़ और दादरी तक भी इस तक की तकलीफ है। आप सबसे फिर निवेदन, आप जब का जो फैसला रहेगा, ईंट का जो पत्थर से दिया जाएगा, और सभी हम साथ हैं, और मैं विश्वास से कहता हूँ तो शाम की पावन भूमि के हमारे सभी अच्छा निर्णय लेंगे, अपने नेता के साथ रहेंगे, पिछड़ने नहीं देंगे। हिम्मत बनाओ, हिम्मत बनाने का समय है, आज पिछड़ गए तो ऐसे ही परिवारों के अंदर की ये चीजें बच के रह जाएंगी, हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार का है, गरीब परिवार का बच्चा कभी आगे आ नहीं पाएगा जी। ये चीजें आज इस कुड़मा उचलेगी, आज उस कुड़मा में उचलेगी, या कुड़मा कुड़मा खेले जियो, हम तो केवल गरीबी छानी जाने ठानी रह जाओ। ये आज केवल एक चुनाव नहीं है, ये हमारा भविष्य है। आप सब लोग अपने विवेक से अच्छा निर्णय लेंगे, पूर्ण रूप से विश्वास है, ऐसे नेता को अगर हम खो देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी जी, कि ऐसी जगह जाकर के आपकी सेवा करने का, आपका नेतृत्व करने का, ये हिम्मत तोड़ ना दियो जी। इसी नेता कदे कदे आएगा, कमल का फूल रोज निकला करता जी, और असली कमल का फूल ये बैठे आप लोग बैठे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद भाई साहब, जिता के निकालेंगे प्रमार को।